गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी किस लिए हुई हूँ बताती हूँ। मुझे जाना है बाहर, और कर्टन सिलेक्ट करने के लिए जाना है। तो कल जो भैया आए थे, नाप लेके गए हैं वो, और अभी हमें कपड़ा सिलेक्ट करने के लिए जाना है। बस कपड़ा सिलेक्ट करेंगे और 2-3 दिन में कर्टन्स बन के आ जाएंगे। 2-3 दिन लगेंगे या 2 दिन लगेंगे, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, बट कपड़ा सिलेक्ट करेंगे तो ही आएंगे ना। तो इसी वजह से अभी कपड़ा सिलेक्ट करने जा रहे हैं, और शॉप है वो जल्दी बंद हो जाता है, तो इसी वजह से जल्दी जा रहे हैं। ये कुछ काम से बाहर गया है, 2 मिनट में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे शॉप के लिए। चलो, फाइनली निकल चुके हैं जाने के लिए। वहाँ पर देखेंगे अभी वो कटन्स, और क्या लेना है, कटन्स और वो सीढ़ी लेना है। हाँ, लैडर लेना है, तो वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि काफी दिक्कत आ रही है लैडर की वजह से। लैडर होती तो जल्दी से ऊपर का सब कुछ क्लीन हो जाता, किसी चीज पे चढ़ के अभी जाना, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है और फिर जाके क्लीन करना पड़ रहा है। तो हमेशा के लिए लैडर घर पे होनी चाहिए, मतलब एक लैडर होती है तो फिर टेंशन नहीं रहता है, कहीं पर भी चढ़ सकते हैं हम लोग, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए वो भी देखने चले जाएंगे। ऑनलाइन मंगाती थी, बट ऑनलाइन वही टेंशन अभी अर्जेंट है, और ऑनलाइन मंगाऊंगी कि तो लेट हो जाएगा, कब आएगा कब नहीं। तो इस वजह से हमने सोचा कि मार्केट से ही ले लेते हैं, जो भी पसंद आए वो। थोड़ा सा गाड़ी का प्रॉब्लम इनको लग रहा है, तो इसी वजह से चेक कर, यहाँ पर ही चेक कर लो ना। अच्छा, तो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इनको, हिल रही है बोलते हैं बहुत ज्यादा, तो बोल रहे कि चक्का वगैरह पंचर है क्या, देखते हैं टायर ऐसा लग रहा है गाड़ी को। हाँ, तो चलिए जाते हैं, देखते हैं चेक करके पहले, और उसके बाद निकलते हैं वहाँ पर जाने के लिए। चलिए, पहुंच गए आशीर्वाद फोम। जहाँ से हमने वो फोम वगैरह नहीं लिया था हेडबोर्ड के लिए, वहाँ से ही हम लोग कर्टन्स ऑर्डर करने वाले हैं, तो वहाँ से हम लोग कर्टन्स बनवाने वाले हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कपड़ा जो हमने वो देख के रखा था, और उसके बाद देखेंगे और लैडर लेने जाएंगे। आशीर्वाद फोम का, और बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप शॉप का नाम नहीं बताते हो, क्योंकि वो अमरावती से हो सकते हैं। तो आशीर्वाद फोम से हमने सारा सामान लिया, जैसे हेडबोर्ड का भी सामान सारा आशीर्वाद फोम का ही था, और ये भी अभी कर्टन्स वगैरह भी आशीर्वाद फोम से ही ले रहे हैं। तो आपको अगर विजिट करना है तो कर सकते हो, काफी अच्छी रेंज है वहाँ पे, और काफी अच्छे से दिखाते भी है, तो आप विजिट कर सकते हो वहाँ पे। और हाँ, अभी जा रहे हैं हम लोग लैडर लेने के लिए, लैडर देखते हैं, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैंने दिमाग में फिक्स करके रखी है, वो लैडर अगर मिल गई तो हम लोग ले लेंगे, और नहीं मिली तो ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि अभी अर्जेंट इसी वजह से ले रहे हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही मंगाते, नहीं तो सारी चीज़ें मेरी ऑनलाइन ही रहती है। तो चलिए अभी जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं जो भी अच्छा मिल जाए वो ले लेते हैं। एक्चुअली मुझे लेनी थी इनके लिए वॉच, और हम लोग आए थे टाइटन के शोरूम में, और यहाँ पर हम लोगों ने वॉच देखी, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। बट मेंस ना सच में मेंस ही होते हैं, इतना मतलब देखने के बाद इन्होंने ली नहीं और चले आए हम लोग वापस, लेकिन मैं तो लेने ही वाली हूँ ये वॉच उनके लिए, इतनी ज़्यादा पसंद आई ना मुझे, मेरा दिल अटक गया है उसमें। और यहाँ पर हम लोग क्रॉकरी के लिए आए थे, क्रॉकरी देखने के लिए आए थे, तो क्रॉकरी में क्या क्या लिया है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि इस तरह से ये शॉप है, और ये जो शॉप है ना वो होलसेल शॉप है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे होलसेल में क्रॉकरी लेने, और सब कुछ जो चाहिए था मुझे वो सब कुछ ले लिया हम लोगों ने यहाँ से। बोल्स वोल चाहिए थे और ग्लास वगैरह जो भी चाहिए था वो ले लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे आइटम लिए हैं, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस ब्लॉग को
आपको अगर खींचती जाती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी वजह से इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं किया, तो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी और सारा कुछ दिखाऊँगी, जो भी शॉपिंग मैंने की है आज वो पूरा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। गाइस क्रॉकरी ले ली है हमने और अभी जा रहे हैं लैडर लेने के लिए, तो यहाँ पर एक होलसेल दुकान है क्रॉकरी का, तो वहाँ से वो ले ली और अभी जा रहे हैं लैडर के लिए, लैडर देखते हैं पसंद आई तो ले लेंगे। फिर आए थे हम लोग इस वाले शॉप में, इस वाले शॉप में हम लोगों ने लैडर देखे और उसके बाद यहाँ पर बाथरूम वाथरूम के रॉड और ये सारी चीज़ें मतलब हैंगर वगैरह देखे, तो ये जो इधर वाली लैडर है ना वो हम लोगों ने ली है, जो फर्स्ट वाली लैडर है वो, बट ये 6 स्टेप वाली है, हम लोगों ने 5 स्टेप वाली ली है और उधर वाली भी अच्छी थी, महंगी थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलो घर के ही काम के लिए ले रहे हैं तो इतना ज़्यादा महंगा क्यों, और स्टडी भी है जो हमने ली है वो काफ़ी अच्छी है, तो इतनी ज़्यादा पैसे वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं था, मतलब 1000 रुपीज़ ऊपर जा रहे थे। फाइनली इतनी देर के बाद सारा काम हो गया है और अभी सारा काम फिनिश करके हम लोग घर पे आ रहे हैं। घर, अरे यार मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और बाहर निकलने से ज़्यादा निकलती नहीं हूँ ना, इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है मुझे। और यहाँ पर कैसा है, 4 व्हीलर लेके आओ तो एक जगह पे 4 व्हीलर खड़ी करो और फिर घूमो इतनी ज़्यादा, तो इसी वजह से पैर दर्द करने लगे। प्रॉब्लम ज़्यादा है ना? हाँ ना, पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, इतने ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं, अभी घर जाके लेटने वाली हूँ तुरंत। अच्छा वो पैदल नहीं आई है? नहीं तो मुझे उठा के लाना पड़ना था इनको। और आप उठा पाते क्या? वाह वाह, थोड़ी देर के लिए उठा पाते, थोड़ी देर के लिए उठा पाते। अरे बाप रे बाप, चलो यार कोई बात नहीं, हो गया सारा काम आज फिनिश, बाहर का तो हो ही गया आज, अभी घर का काम करेंगे साफ सफाई वाला। आज पता नहीं अभी मेरी कैपेसिटी रह पाती है या नहीं। आज तो खाना भी नहीं खाया? आज मैंने खाना भी नहीं खाया, पता है इन लोगों ने खाना खाया मेरा, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, लेट आया आज वीडियो, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मतलब खाना ही नहीं खाया मैंने और ऐसे चल गया। ये ले रहे हैं जलेबी सबके लिए, यहाँ पर बहुत फेमस है ये दुकान जलेबी के लिए और बहुत ही टेस्टी और अच्छी जलेबी मिलती है यहाँ पे, गरम गरम मिलती है, तो इसी वजह से यहाँ से ले रहे हैं। और इतनी ज़्यादा टेस्टी रहती ना खोवे वाली जलेबी यहाँ की, जलेबी लेके आएंगे, तब तक मैं बैठी हुई यार। और इतने सच में मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ आज, मेरे पैर ऐसे 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 कर रहे हैं, हाँ दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तीन टाइप की जलेबी, तीसरी क्यों का? तीसरी, तीन टाइप की जलेबी है? नहीं नहीं तीसरी नहीं, ती कशाची है? ती कशाची आहे जी, घेतली नाही ती। हा नाही नाही नको नको राहू द्या, वो कलर वाली है, वो विदाउट कलर वाली। हाँ नहीं जान दो, मलाई का दही लेंगे और लीटर ले, आधा लीटर ले लेंगे, आधा लीटर में। हाँ मलाई का दही और इसके साथ गर्मा गर्म जलेबी, खाने का मजा ही आ जाता है, बोलेंगे जलेबी भाई। हाँ फिर हाँ जलेबी भाई। और बारिश के मौसम में बढ़िया। हाँ बढ़िया, बारिश के मौसम में जलेबी खाने का मजा ही आ जाता है, वो भी गर्मा गर्म जलेबी और ठंडा ठंडा दही, वो भी मलाई वाला, मलाई वाला यूपी स्टाइल। हाँ यूपी स्टाइल में हम लोग उधर खाते थे ना, अच्छा लगता था। लेकिन जो भी यूपी से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपके यहाँ पे ऐसे जलेबी खाते हैं या नहीं। ये एक्चुअल गया है दही लाने और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये घूम रहे हैं और मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे सिर्फ क्योंकि पैर ही इतने दर्द कर रहे हैं। वैसे प्लेन वाला जो दही होता है, सादा वाला दही, वो घर पे था, बट इसके लिए मलाई वाला दही चाहिए, तो अभी ये जलेबी है और मलाई वाला दही है, गर्मा गर्म जलेबी और मलाई वाला दही। क्यों छुप रहे हो? अरे कोरोना वायरस है, मैंने सोचा ये क्यों छुप रहा है इधर उधर इधर उधर, कोरोना वायरस है। चलो ये देखो हमारे घर पे मेस, ये देखो यहाँ पर भी मेस, बाप रे बाप सारा मेस ही मेस है यार, क्या करे इसका, पूरा शू उसमें थे, ये पूरे शूज निकाल दिए, ये सूखने के लिए निकाले थे बट बारिश आई लगता है, यहाँ पे बारिश आई थी क्या अदभी? हाँ। ये मेस कब समेटेंगे हम लोग और कब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, बाहर के काम ही खत्म नहीं हो रहे। करो करो करो, अरे बाप रे, अरे बाप, अरे बाप रे, पीछे, हाँ हाँ, अरे वाह 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 वाह, गुड बॉय, सैनिटाइज कर दिया अद्विक ने मुझे। तो गाइज आज निकाला है मैंने ये मेरा पिटारा, मतलब ये मसाज का पिटारा, काफी दिनों से लेके रखा था और यूज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतना ज्यादा दर्द कर रहे हैं आज पैर,
रात को भी दर्द कर रहे थे, रात को सो नहीं पाई मैं कितनी देर तक, बट इनको उठा भी नहीं पाई थी। मतलब मुझे लगा था कि अभी इनको उठाऊंगी तो और इनकी नींद खराब होगी, तो रात भर दर्द करने लगे और आज भी दर्द कर रहा है पैर। मतलब कल का ही असर है वो, आज भी चल रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मैं अपने ही मसाज कर लेती हूँ। और किसी ने इसका रिव्यू भी मांगा था, तो जब आपको मैंने अमेजोन हॉल में दिखाया था, ये याद होगा आपको, दो तीन महीने पहले दिखाया था, तो आपको याद होगा, तो बहुत लोगों ने इसका रिव्यू मांगा था, तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और अपनी मसाज भी हो जाएगी इससे। तो इसका फायदा ये है कि आप देखो, इसका जो हैंडल है वो बहुत लंबा हैंडल है, इससे आप अगर मसाज करते हो ना तो खुद की मसाज खुद कर सकते हो। तो इसी वजह से अगर आपके पीठ के बीच में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप इजीली इससे मसाज कर सकते हो और किसी की हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो इसका यही फायदा लगा। मेरे पास और भी था, इससे पहले था, तो वो मैंने मम्मी के घर पे दे दिया था, वो थोड़े छोटे हैंडल का था ना, तो इसी वजह से मुझे वो प्रॉब्लम होता था कि खुद नहीं यूज कर पाती थी मैं। अभी खुद यूज कर सकती हूँ, अभी देखो यहाँ पर भी थाइस पे भी मसाज कर सकती हूँ यहाँ पर। और आपके जो अगर ये है मतलब सेलुलाइट है तो उसे भी आप इससे कम कर सकते हो, वेट लॉस में हेल्प करेगा ये आपकी। और आप अगर ऑयल से मसाज करते हो, कोई स्लिमिंग ऑयल वगैरह यूज करते हो, तो उसके बाद आप इससे मसाज कर सकते हो, अच्छे से मसाज देगा ये। इसमें ना ऑटो शट ऑफ भी है और 6 स्पीड सेटिंग है, यहाँ पर स्पीड सेटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। और उसके बाद 5 मोड ऑप्शन भी है, यहाँ पर मोड ऑप्शन दबा सकते हो, मतलब 5 मोड ऑप्शन भी है। उसके बाद 8 इंटरचेंजेबल मसाज हेड मिल जाते हैं आपको इस तरह के, इसमें ये आप देख लो, यहाँ पर 8 इंटरचेंजेबल हेड्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके अलग अलग चीजों में अलग अलग मसाज करने के लिए। ये बॉल हेड है, मैं आपको सारे हेड बता देती हूँ। इसे जो लगाया हुआ है ना, ये जो है वो फ्लैट मसाज हेड है। उसके बाद ये है रोलर मसाज हेड। उसके बाद ये जो है वो बेबी मसाज हेड है। और ये देखिए, ये जो है वो डबल व्हील मसाज हेड है। उसके बाद ये जो है ये मेश कवर मसाज हेड है, इससे आप अपनी एडी वगैरह को भी क्लीन कर सकते हो। ये जो रफ सरफेस है उसे आप डेड स्किन निकालने के लिए यूज कर सकते हो ये वाला, तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। और उसके बाद ये बॉल मसाज हेड है। उसके बाद ये है ताइची मसाज हेड। उसके बाद ये है एंगल रोलर मसाज हेड। इसे जो लगाया हुआ है वो फ्लैट मसाज हेड है और इस मसाजर की आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है, तो काफी ज्यादा अच्छा है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, काफी रिजनेबल प्राइस में ही आपको मिल जाता है, तो इसी वजह से मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगैरो ब्रांड का ये मसाजर है और बहुत ही ज्यादा अच्छा मसाजर है। यहाँ पर अच्छे से ग्रिप बैठ जाती है इसकी, ये देखो पूरा यहाँ पर सेटिंग दी हुई है, ये ब्रांडिंग दी है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी और लुक देखो कितना ज्यादा अच्छा है। और यहां से आप इसे निकाल सकते हो इस तरह से और यहां से हेड चेंज कर सकते हो इसके, यहां से आपको हेड चेंज करना पड़ेगा इसके। जैसे कि मैं अभी ये बॉल वाला हेड लगा देती हूँ यहाँ पे और इसकी हेल्प से मैं अपनी मसाज करूंगी। इस तरह से आपको लगा देना है और ये फिट आ जाएगा इसमें। और उसके बाद आपको ये ऑन ऑफ की बटन मिलती है, देखो यहाँ पर ऑन कर सकते हो, यहां से ही ऑफ कर सकते हो, यहां से आप मोड चेंज कर सकते हो। देखो ये इस तरह से घूम रहा है अभी, उसके बाद मोड चेंज करूंगी तो ये इस तरह से घूमेगा, उसके बाद और मोड चेंज करूंगी तो इस तरह से घूमेगा, 5 एंगल से ये घूम जाएगा। और यहां से आप लेवल चेंज कर सकते हो, 6 लेवल सेटिंग भी है। उसके बाद मोड सेटिंग 5 है, यहां तक 5 तक मोड सेटिंग हो जाती है, ये ऑन ऑफ है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। अभी मैं मसाज करके आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए बहुत अच्छे से मसाज होती है यहाँ पे और जल्दी पेन रिलीफ हो जाता है इससे। कितना भी पेन हो आपका, कितना भी पेन हो रहा हो ना, तो इतनी जल्दी पेन में रिलीफ मिलता है आपके। और यहाँ पर देखो, ये देखो काफ में भी आप मसाज कर सकते हो, थाइस में भी आप मसाज कर सकते हो, बस इसे इस तरह से घुमा लीजिए और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि आपको क्या ही बताओ, बहुत अच्छा लगता है, पेन में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इससे। और आप बैक पे भी अपने हाथों से ही मसाज कर सकते हो, यहाँ तक पहुँच जाता है, मैं आपको पीठ में दिखा देती हूँ, ये देखिए मतलब सेंटर ऑफ द बैक पहुँच जाता है ये। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप खुद की मसाज कर सकते हो और बहुत जल्दी रिलीफ देता है ये।
चलिए अपनी मसाज कर लेती हूँ। और हाँ, इसे परचेस करना है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग लिंक मांगते रहते हो और फिर सेपरेट सेपरेट लिंक मुझे भेजना पड़ता है सबको, तो उससे अच्छा है कि मैं एक लिंक दे दूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको मैं लिंक देती हूँ ना फिर भी आप पूछते हो यार कि दी इसका लिंक दो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए डियर। मतलब टाइटल पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपको उसमें लिंक दिख जाएगा। अग्यारो मसाजर करके मैंने लिंक दे दिया है उसमें, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि लिंक देने के बाद भी आप लिंक मांगते हो, बहुत सारे लोग लिंक देने के बाद भी लिंक मांगते हैं, तो सबको सेपरेट सेपरेट लिंक सेंड करना पड़ता है मुझे। तो एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हो और बहुत अच्छा है, फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है, आप ले सकते हो इसे डेफिनेटली। अमेजोन से परचेस किया था ना तो उसी टाइम मैंने रिव्यू डाल दिया था इसका 5 स्टार करके, इसको स्टार भी दे दिए थे और रिव्यू भी डाल दिया था। खा लो। आओ, आप नहीं ना, ना। अरे मैं एक खाने वाली हूँ इसमें से, सिर्फ आप खा लो, एक खाने वाली हूँ। डाइटिंग पे हूँ ना, डाइटिंग पे एक चलती है, एक चलती है। एक चल जाएगी यार, मेरा मन कर रहा है खाने का, वो भी गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। अरे यार जबरदस्त, बहुत मजा आ रहा है। शेयर कर दो, कमेंट कर दो, आप बोल देना बाद में, अभी तक एंड नहीं हुआ है वीडियो। यहाँ पर ही रख दो, हाँ वो भी वहाँ पर रखो। हाँ ठीक है। एक्चुअली जो लैडर और वो जो सामान हमने वहाँ से लिया था, कुछ सामान भी था, तो जैसे कि बाथरूम के लिए कॉर्नर वगैरह थे और रॉड थे, ये सारी चीजें हमने वहाँ से परचेस की थी, तो वो सारा सामान वो लोग देने आए हैं। एक्चुअली वो सारा गाड़ी में तो आता नहीं, लैडर इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं आती, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको बोला था कि आप छोड़ देना घर पे, तो इसीलिए वो देने के लिए आए थे घर पे। ये देखो लैडर, और काम करना हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितने भी ऊंचाई पे काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर लगा सकते हैं हाथ, बस निकालो मत अभी। अरे हाँ, वो पट्टी निकाल रहे हो क्या? अच्छा, मैंने सोचा वो यही निकाल रहे हो क्या आप। देखो और बहुत स्टडी है यार, है ना, अच्छी का ये है, मजबूत है, मजबूत भी है और रेट में भी ठीक है। हाँ, रेट में भी अच्छी है। मतलब कितने की पड़ी हमें ये? 2900। मतलब 2900 मीन्स क्या है? 2900 मतलब 2900 ना, 2900। ठीक है ठीक है, चलो ये 2900 की पड़ी, 2900 नहीं, 2900 की। अरे हाँ, वो 3600 की थी, है ना, दूसरी हाइट की। अच्छा अच्छा, हाँ बराबर है। ये ना हाँ, ये 5 फीट वाली है, वो 6 फीट वाली थी ना, तो 6 स्टेप्स थे उसमें, वो 6 फीट वाली 3600 की थी और ये मतलब 2900 की है, है ना, अच्छी है ना। अद्वीप हाँ, अच्छी है, हाँ अच्छी है ना। रिव्यू दे दो अद्विक इसका भी, इसका रिव्यू दे दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो, घंटी को भी दबा दो। रिव्यू रिव्यू बोला तो सब सारा चीज बोल दिया। 2900 की। अच्छा ये 2900 की, मतलब कहाँ है ये? हाँ 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 हाँ, ये लैडर 5 स्टेप वाली, ये बराबर है। चलो चलो अद्विक, बंद कर उसको। कितना मतलब हाइट में कम लग रहा है ना अब, वो मैट्रेस की वजह से हमें आदत हो गई थी, कुत्ते थे वो बेड पर बैठे हुए, हाँ कुत्ते के तो धक्के नीचे गिरेंगे। ऊंचाई पे बैठने की आदत हो गई थी ना, अभी एकदम हाइट में कम हो गया, ये अजीब ही लग रहा है। लेकिन अभी ये इसके ऊपर मैट्रेस थी ना, वो दूसरी वाली जो मैंने ऊपर के रूम में अभी रखी है, वो वाली मैट्रेस थी, इसी वजह से वो एकदम ऊंचा ऊंचा लगता था,
और अभी देखो कितना हाइट में कम लग रहा है बेड। ठीक है, इसकी आदत हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। चींटी जैसा, चींटी जैसा। इसके भी आदत हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो चलिए गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। क्या करते हो यार, कंजूसी बहुत ज्यादा करते हो आप सब्सक्राइब करने में भी और लाइक करने में भी। तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसे क्लिक कर दिया करो। उससे क्या होगा कि उसे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। हाँ, मसाजर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय, ध्यान रखना अपना।